नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ। और आज हम पहुंचे हैं टाउन पार्क। टाउन पार्क में हैं हम, सेक्टर 12। आप देख सकते हैं ये इधर SRS मॉल है जो कभी चालू हुआ करता था। और ये टाउन पार्क का गेट है, शायद गेट नंबर 1 है जहां हम पहुंचे हैं, ये देख रहे हैं। और आपको बता दें कि यहां एक ऐसी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं जो आपको कहीं ना कहीं झिकझोर देगी। ये जो आप छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, दो बच्चे खेलते हुए हमारे सामने, यहाँ एक परिवार है, पूरा परिवार है। और ये दंपति है, पति पत्नी दोनों हैं। और ये छोटे छोटे दो बच्चे हैं, आपको बता दें ये दोनों यहाँ बैठकर ये जो हारमोनियम बजाते हैं, इससे जो लोग पैसा इन्हें दे जाते हैं उससे अपना गुजारा करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो लोग हैं इन्हें ये नेत्रहीन है और इन्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन ये जो दो बच्चे हैं, ये दोनों बच्चे सही है, ये देख सकते हैं। लेकिन ये जो दोनों लोग हैं आप देख रहे हैं, ये देख नहीं सकते, ये इसी तरह अपना गुजर बसर करते हैं। और इतनी बारिश हो रही है, बारिश के मौसम में भी ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं इस आस में कि कोई आएगा इन्हें पैसे देगा और जिससे ये अपना घर का राशन ले जाएंगे और अपने बच्चों को खाना खिलाएंगे, उनका पेट भरेंगे। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रामोतार जी। रामोतार जी, आप क्या करते हैं? गोलगप्पे का। गोलगप्पे का काम करते हैं, कब से कर रहे हैं? 17-18 साल हो गए। अच्छा, और ये यहाँ कब से? 4-5 साल होने पा रहे हैं। अच्छा, रोज आते हैं क्या? शनिवार संडे आते हैं। वो जैसे त्यौहार वगैरह होता है, रक्षाबंधन है, दिवाली है, अपनी नई साल है, 15 अगस्त है, जब आते हैं ये। ऐसे कोई भी त्यौहार होता है अपने हिंदू धर्म में, जब आते हैं ये। देख नहीं सकते दोनों? नहीं, बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं, बिल्कुल नहीं। मियां और बीवी कोई भी नहीं देख सकता है। हाँ, जैसे ही ये आते हैं। और अभी मौसम खराब हो रहा है इतना, अपने ऐसे दाल रोटी के लिए, राशन वासन वगैरह ले जाने के लिए जानी ऐसे बैठे हैं। 150 जो भी आ जावे, कोई दे जावे, अपने मन की शांति से, जैसे जिसका मन है, जबरदस्ती किसी से नहीं करते हैं, जो भी है जो मन में दे जाते हैं। सही, गाते और बजाते रहते हैं जो चाहे वो। हाँ, जैसी सर आप देख सकते हैं, आप भी यही होते हैं भाई साहब, देखते हैं नमकीन? हाँ देखते हैं, नमकीन बेचते हैं जाल में। तो ये मदद कर देते हैं? हाँ मदद, बैठते हैं शनिवार संडे को, जो मिलता जो हिस्सा बजाते रहते हैं, जो देना देते हैं रख लेते हैं अपना। लोग आते हैं यहाँ घूमने फिरने आते हैं, अगर 10-5 रुपए में कोई मदद कर देंगे तो कुछ नहीं जाता? हाँ, 10-5 जो 20-30 जो मर्जी, जिसका जितना इच्छा है, जबरदस्ती नहीं, अपना जो होता है देते भी, लोग भी हम भी ऐसे बोले। हाँ, 2 दिन मिलता है, जो भी मिलता है कस्टमर आते देखते हैं, दे देते हैं 10-5। तो ये देख सकते हैं फरीदाबाद, आप ये इसी तरह से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। ये देख रहे हैं ये बच्चे हैं, ये दो बच्चे हैं, सुंदर से बच्चे, छोटे छोटे ये दोनों बच्चे हैं। और ये दोनों नेत्रहीन है, इनसे भी बात करेंगे अभी, ये देखें। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम विजेंद्र कुमार है जी। विजेंद्र जी, ये आप ऐसे ही गाते बजाते हैं और इसी तरह से लेते हैं? हाँ, इसी तरीके से हमारा वैसे घर चलता है। दूसरी बात, हम पहले ट्रेन में मोबाइल के चार्जर और एयरफोन वगैरह, ब्लूटूथ वगैरह बेचते थे, तो अब हम बीमार हो गए बीच में, तो वो हमारा बिजनेस चल नहीं पाया। अच्छा। अब इससे हमारी रोजी रोटी इतनी आसानी से चल नहीं पा रही, रेंट पे रह रहे हैं। अब बताइए, हमारी लड़की भी स्कूल जाने वाली हो गई है, इसको भी अभी कोई अच्छा घर नहीं मिल रहा है किराए पर। पहली बात तो ना तो पैसे का एडजस्टमेंट हो पा रहा है कि अपना बिजनेस चल जाए, ताकि अपने बच्चों का थोड़ा जीवन यापन कर सकें। तो ये दोनों बच्चे कैसे, लड़के हैं दोनों या लड़का लड़की? एक लड़का है छोटा वाला और ये लड़की है। अच्छा, छोटा वाला लड़का है और बड़ी वाली लड़की है। हाँ जी, तो क्या कहना चाहते हैं फरीदाबाद के जो लोग हैं यहाँ पार्क में आते हैं, उन सब के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए भगवान सबका भला करे और सबका हर तरीके से, जो व्यक्ति जिस काम में लगा है, परमात्मा सबकी हार्दिक इच्छा पूरी करे। और मैं फरीदाबाद के लोगों से, भाई और बहनों से यही कहना चाहूँगा कि हमारे परिवार के लिए और हमारे लिए अगर हो सके तो ये जो अपना व्यवसाय करना चाहते हैं हम, एयरफोन चार्जर,
तो इसके लिए हमारी अगर कुछ किसी भाई या बहन से कुछ मदद सेवा हो सके ताकि हम अपने पैरों पे खड़े हो सके, जैसे कि हम आप लोगों के बीच में इस समय मौजूद हैं, देख रहे हैं हमारी स्थिति को, तो यही मैं लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि हमारी ये समस्या का समाधान अगर हो जाए तो बड़ी मेहरबानी रहेगी। तो विजेंद्र जी, आप दोनों लोग नहीं देख पाते? हम दोनों लोग को दिखाई नहीं देता है जी। बच्चे ठीक है ना? बच्चे ठीक हैं जी। तो ये कब से कर रहे हैं ये? ये हो गया करीब 4-5 साल से हो गया अपना ये। तो अब थोड़ा सा संकट आ गया है रोटी पे? हाँ जी, अब मान लीजिए कल से भोजन नहीं बना है, कुछ राशन पानी नहीं है घर पे, और किराया भी नहीं मकान का दे पाए क्योंकि अपना बिजनेस चल नहीं पा रहा है, तो मकान मालिक सामान उठा के बाहर निकाल दिया था, तो बड़ी मुश्किल से मेरे रखने के लिए तैयारी नहीं है, किराया नहीं दे पाए तो घर से बाहर निकाल रहा है सामान मेरा पूरा जी। तो इसीलिए मैं साथ चाहता हूँ कि लोगों से कुछ मदद हो जाए ताकि मैं अपना बिजनेस कर सकूँ, तो हम किसी की कुछ मुझे सुनना ना पड़े, आज के टाइम जानते हैं भैया जी कोई किसी का नहीं है। तो अगर कोई मदद करे तो कैसे कैसे कर सकता है, कहाँ कर सकता है? मेरी मदद अगर कोई भाई या बहन कोई भी व्यक्ति करना चाहे तो हम अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे रहे हैं जी। और उस नंबर पे आप मेरे को एक बार कॉन्टेक्ट करके उसके बाद ही मैं जो भी करना है वो आप मेरे से कर सकता है जी। नंबर भी बता दें एक बार। हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है 850-5980-388। नंबर है 850-5980-388। तो जो कोई भी ये हमारी खबर देख रहा है, जो सुन रहा है और जो चाहता है कि इनकी कुछ कोई मदद की जाए और मदद कर सके, तो ये नंबर है जो इन्होंने बताया, और हम ऊपर डिस्क्रिप्शन पे भी नंबर लिखेंगे इनका, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं और इनसे कॉन्टैक्ट करके इनकी मदद कर सकते हैं, ताकि ये जो देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं इनका गुजारा हो सके और भूखे ना रहें। जैसा कि बता रहे थे कि खाना नहीं बना है कल से, तो आप जो भी व्यक्ति जिस तरह की भी मदद करना चाहता हो इनकी मदद कर सकता है। और अभी फिलहाल तो ये टाउन पार्क में एक नंबर गेट है, ये एक नंबर गेट पे बैठे हैं। यहाँ कब तक हैं विजेंद्र जी? यहाँ पे 9-9:30 बजे तक रहेंगे, जब तक बारिश नहीं आएगी अगर। ठीक है, और उसके बाद फिर अगर कोई मदद करना चाहता है या मिलना चाहता है तो वो आपके मोबाइल पर संपर्क कर ले और आप उसको बता देंगे कि कहाँ मिलेंगे जी। तो फरीदाबाद कोई भी अगर जी, फरीदाबाद के लोगों से एक छोटी सी विनती करना चाहेंगे, हम यही कहना चाहेंगे कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमेशा जहाँ भी सुन रहे हैं मेरी आवाज़ को और जहाँ भी देख रहे हैं, हमेशा खुश रहें, और यदि हो सके तो ऐसे नेत्रहीनों की एक बार मदद अवश्य करें अपने हाथों से। जय श्री राधे। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं, ये कोई भीख नहीं मांग रहे विजेंद्र जी, किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, लेकिन ये मेहनत मजदूरी कर कर खा रहे हैं, और ये देखते हैं हारमोनियम बजा रहे हैं और बजाते हैं, इसी से जो कोई इनको जो पैसे दे जाता है उसी से अपना गुजर बसर करते हैं। और इनका कहना है कि जो कोई भी इनकी मदद करना चाहता है वो कर सकता है। और ये जैसा कि बता रहे थे कि ट्रेन में चार्जर वगैरह बेचते थे, मोबाइल चार्जर हैं, लीड है, डाटा केबल हैं, क्योंकि दोनों नेत्रहीन हैं ये, और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो इनके लालन पालन के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। लेकिन इनके सलाम करते हैं विजेंद्र जी को, जो ये कमा खा रहे हैं और भीख नहीं मांग रहे, लेकिन लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि इनकी मदद करें ताकि ये अपने काम धंधे को दोबारा से फिर से खड़ा कर सकें और अपने परिवार का लालन पालन कर सकें। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।